हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में आपको सबसे पहले मैं सॉरी बोल के स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले पूरे हफ्ते में एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की थी। तो एक्चुअली थोड़ा सीन हो गया था घर पे, बट वो सब छोड़ो। हाँ, तो आपको उसके कंपनसेशन के लिए मैं आपको 7 दिन की 7 वीडियोज दिखाने वाला हूँ कि वीक पूरा वीक का CWL का आपको एक वीडियो के बदले मैं आपको पर डे का वीडियो दिखाने वाला हूँ। Day 1, Day 2 हमारे कैसे अटैक्स गए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ अपने अटैक्स तो दिखाऊंगा नहीं, तो साथ में अपने कुछ दोस्तों के भी अलग अलग अटैक्स दिखाऊंगा। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग बेसिस में, एंड ऑल्सो अगर आपको सेम बेस आया हो CWL में या आपके फ्रेंड को आया हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, खुद की या उसकी हेल्प कर सकते हो कि सेम बेस को आप ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे वॉय का क्या हाल चल रहा है। वॉय 1 का आज आपने उसमें देख लिया होगा थंबनेल और अपने टाइटल में किया, Day 1 की वीडियो है। तो Day 1 तो हम जीत चुके थे, 1 स्टार से जीते, बट हम जीते क्योंकि बिकॉज हमने ट्रिक्स अच्छे किए बहुत, बट थोड़े हमारे 2 फकअप्स हो गए थे जिसमें 2 1 स्टार आए थे। तो होता है, CWL है, वॉ है, क्लैश ऑफ क्लैंस है, होता है कभी 3 स्टार होता है, कभी 1 स्टार भी हो जाता है। तो हाँ, एट प्रेजेंट हम जिस सिचुएशन में चल रहे हैं ना, क्योंकि जो हमारी अभी वॉ चल रही है वो है अभी जो हमारे #1 पे है ड्रैगन बीट्स उनके साथ है। तो अगर ये वॉ हम जीत जाते हैं तो हम #1 आ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली प्रमोट भी हो जाएंगे। तो ये वॉ हमारे लिए क्वेश्चन है, वो आपको Day 3 के वीडियो में दिख जाएगी हमारा फाइनली क्या हुआ है, हम जीते हैं कि नहीं जीते हैं। तो उससे हमारा प्रमोशन होने वाला है कि नहीं, बिकॉज बस इनको हमने हरा दिया। तो हमें, क्योंकि आप देख सकते हो 2 स्टार्स का डिफरेंस है, 2 और 4 2, मतलब टोटल 6 और इनके बीच में 2 का फर्क है हमारा। तो ईजी है, बस हम जीत गए तो हमें 10 स्टार्स का बूस्ट मिल जाएगा, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है और सीधा वीडियोस के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, तो अपना Day 1 का अटैक का स्टार्ट सबसे बढ़िया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं अपने भाई, अपने दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त की वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ सोचो अटैक के। तो क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा बंदा है ये, मतलब हर चीज़ में हेल्प करता है और बहुत ही अच्छे से बात करता है और मेन बात बहुत ही अच्छा इंसान है। तो भाई, और ये बोलता है भाई मुझे अभी भी ईडी सीखना है, मैं अभी भी ईडी सीख रहा हूँ। तो भाई अगर वो ईडी सीखते हुए भी इतने अच्छे अटैक्स कर सकता है, वो आपको 3 दिन के अटैक्स दिखा दूंगा, आपको पूरे वॉर के अटैक्स दिखा दूंगा 7 के 7 दिन। मैं आपको बोल सकता हूँ कि 7 में से एटलीस्ट 6 दिन इसके 3 स्टार तो होने ही वाले, इतना ओपी ईडी का अटैक करता है फिर भी बोलता है भाई मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो सीधा अटैक के साथ स्टार्ट, देख सकते हो वॉल्स उसकी मैक्स नहीं थी, बट ईडी का हुआ तो वॉल्स का तो फर्क पड़ता नहीं है, ऑलमोस्ट सब मैक्स था। जो भी अपना कोर डिफेंस है देखो, स्कैटर शॉट मैक्स है, ई डिफेंस मैक्स है, इन्फर्नोज, टाउन हॉल, एक्स बॉल्स, एयर स्वीपर, आर्चर टावर्स, तो अभी नए लेवल आए ईगल क्वीन उसकी मैक्स है भाई, तो ऑलमोस्ट मैक्स ही बेस है। आप बोलोगे मैक्स बेस नहीं है, मैक्स ही तो बेस है भाई, वॉल्स नहीं है। और इलेक्ट्रो ड्रैगन के अटैक में वॉल्स फर्क का पड़ती है भाई, देख सकते हो। इसने ईडी से एक साइड से चालू किया, पहले फनल बनाया था, एक साइड मेगा मिनियन, दूसरी साइड हीरो से ब्लिंक डाली जिसे टाउन ले लिया 80s में। ये जो इसका मैं आपको इसमें इसलिए समझा नहीं और अटैक कैसे किया क्या क्या किया, क्योंकि मैं आपको एक अलग ट्यूटोरियल बताऊंगा कि ईडी का अटैक कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें भी मैं अभी सीख रहा हूँ ईडी, एक्चुअली इसी से सीख रहा हूँ जो बंदा बोलता है मैं सीख रहा हूँ। तो मैं खुद के अटैक्स तो दिखाऊंगा जो मैं सीख रहा हूँ, मैंने ट्रिक्स किए हुए हैं आगे, एंड मोस्टली इसको ही फीचर करने वाला हूँ भाई, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरी फ्रेंड लिस्ट में इससे अच्छा ईडी अटैक का कोई नहीं है, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट बहुत छोटी है। तो देख सकते हो मैं थोड़ा अभी क्लीन अप बचा है, Int2 की स्पीड कर देता हूँ। स्किन ऑफ टूथ से इसने 3 स्टार निकाला है, बट 3 स्टार होता है भाई, क्या ही बोल सकते हैं, 3 स्टार है तो 3 स्टार है, चाहे ऐसे है ना वैसे है, क्या बोलते हो। तो हो गया ये अटैक, तो जो भी है भाई मेरे लिए, नहीं तो इस बंदे के लिए लाइक कर दो भाई, बहुत ही प्यारा बंदा है, बहुत ही भाई है अपना, अपना नाम देख सकते हो लूसीफर डोया, भाई भाई है तू यार।
हाँ तो गाइज अपना अटैक नंबर 1 आप देख चुके हैं, अटैक नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अटैक नंबर 2 में आपको दिखाने वाला हूँ एट प्रेजेंट जो हमारा क्लैन, जिस क्लैन में आया हूँ मैं अपने दोस्त के, हमारा लीडर है यहाँ पे, उतने टाइम से जानता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं CWL के टाइम में मिला हूँ इससे। अच्छा बंदा है भाई, दिल का साफ है, अच्छे से बात करता है, एंड आप इसको मेरे और भी वीडियोज में देखने वाले हो, क्योंकि बिकॉज जो नया टूर्नामेंट आया है वो इसके साथ खेलने वाला हूँ मैं, इसी की टीम में हूँ मैं। तो बहुत, क्योंकि अटैक भाई बहुत ही प्यार करता है भाई, दिमाग से सोच के अटैक करता है, फुल प्लानिंग करके, तो इसके वीडियोस तो आप देखने वाले हो मेरे चैनल पे। और इसी तरह अटैक के साथ स्टार्ट करते हैं, ये देखो इसने अटैक किया था, मैं भी एक्चुअली अभी पहली बार देखा हूँ अटैक आपके साथ ही, तो हाँ इस पर अटैक किया था इसने मास स्विच विथ जैप के साथ, जैप और 5 जैप और 1 अर्थक्वेक के साथ इसने यहाँ पे एक इन्फर्नो, एक एक्सबो और एक स्कैटर शॉट ले लिया, और सेम चीज यहीं पे किए, एक एक्सबो, एक इन्फर्नो और एक स्कैटर शॉट इसने ले लिया। तो देख सकते हो एक उस टाइप का स्पैम अटैक है जो बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कि बस जैप से आप कुछ, अगर बहुत ही हाई वैल्यू बेस है कि आपको एक जैप से बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप ये अटैक ट्राई कर सकते हो, क्यों नहीं भाई। और विचेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपी कर दिए भाई, मैक्स लेवल विचेस, उसके स्केल्टन्स का लेवल भी, पावर भी, सब कुछ अच्छे से बढ़ा दिए हैं। और आइस गोलेम एक साथ में ले लेते हैं 1-2, ताकि आगे के जो फ्रंट डिफेंसेस है उसको फ्रीज कर दे, तो स्टार्टिंग में ही ट्रिप्स ना मारे, और एक वॉल ब्रेकर ताकि टाउन हॉल तक क्लीन ईजी फनल बन जाए और ट्रिप्स लेफ्ट राइट ना जाए, क्योंकि जंप्स पहले ले नहीं सकते थे क्योंकि सारे जैप ले चुके थे हम, तो इसलिए वॉल ब्रेकर एबिलिटी मारती है ताकि टाउन हॉल के ब्लास्ट डैमेज से बच जाए। एंड हमें एक्चुअली इसमें ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब बस आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आज, ये एक्चुअली CWL के अटैक्स का मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ कि क्या किया है, कैसे किया है, बट आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा जो ब्रेकडाउन होता है ना अटैक का, कि क्या क्या स्टेप वाइज ब्रेकडाउन आपको नहीं दिखा रहा हूँ वो, आप अगर आपको इस अटैक का चाहिए, कोई भी अटैक जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियोज में, कोई भी पर्टिकुलर अटैक पे आपको चाहिए वीडियो, तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन पे एक बार बोल सकते हैं, मैं उस पर बहुत ही जल्द आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ दोस्तों के वीडियोज नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको खुद भी वो सीखूंगा, दोस्तों के दिखाऊंगा बट साथ में खुद भी सीखूंगा, खुद के भी 1-2 अटैक पक्का दिखाऊंगा, सिर्फ दोस्तों के अटैक्स पे आपको नहीं दिखाने वाला, मैं खुद भी सीखूंगा, खुद भी की मतलब भाई मैं अगर 1-2 दिन में इतना सीख सकता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करो तो 1-2 हफ्ते में ढंग से अच्छे से सीख सकते हैं, मैं खुद भी और अच्छा सीखूंगा। तो वही है, आपको फुल ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, मतलब दोनों स्कैटर ले लिए, 2 इंफर्नो ले लिए, एक्सबोज ले लिए थे उसने, 2 टाउन हॉल उसने एबिलिटी से ले लिया, तो बेस में एक्चुअली बचा है क्या, आप बोलोगे ट्रुप्स बचे नहीं है ज्यादा, बट बेस में भी क्या ही बचे, थोड़े आर्चर्स बचे, थोड़े कैनन, थोड़े विजार्ड, विजार्ड टावर पर क्या करो तो क्वीन ले लेगी, आर्चर कैनन के लिए तो विजार्ड उसके स्केलेटन से, क्या बोलते हो भाई, बस बात कर रहे हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बढ़ते हैं अपने अटैक नंबर 3 की तरफ। तो भाई देखो उनके नंबर 2 का भाई एकदम पानी निकाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट मैक्स वेस को भाई एकदम ऐसा कचरा ट्रिक्सा मार दिया भाई ने, एकदम की मतलब चीटी हो कुचल दिया भाई, ओपी बंदा है भाई। अगर आपको इसका अटैक पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एग्जीक्यूटिव ओपी हो जाए एक बार। तो सीधा अटैक के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ, इसने एक्चुअली इसने भी मास स्विच किया था, जैप मास स्विच, बट एक्चुअली इसने ये अटैक सिर्फ बेस के अकॉर्डिंग किया, ये भी मेरा हाइब्रिड अटैक है। तो आप क्योंकि ये देखो वैल्यू देख सकते हो, 1 बॉक्स के अंदर 1 ही जैप के साथ वो, 2 एक्सबो, 1 स्कैटर शॉट और 1 मल्टी इन्फर्नो, इस साइड 2 एक्सबो, 1 स्कैटर शॉट और 1 सिंगल इन्फर्नो ले सकता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ओपी जैप वैल्यू है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो ऊपर का सेक्शन उसने ले लिया, 5 जैप 1 अर्थक्वेक, नीचे भी 5 जैप 1 अर्थक्वेक के साथ। तो देख सकते हो यार भाई, चारों के चारों एक्सबो, 2 इन्फर्नोज, 2 दोनों के दोनों स्कैटर शॉट क्लीन हो गए। इसने फनल बनाना स्टार्ट कर दिया था लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ताकि सारे जो भी मेन ट्रूप्स है, सारे मेन विचेस है, एटलीस्ट मिनिमम 8-10 विचेस अंदर जाए, लेफ्ट में और राइट में 2-2 डाल दिए थे इसने, एक एक
टैंक के साथ लेफ्ट में गोलम डाला, राइट में दो इटीज डाले, साथ में हीरोज और वॉल ब्रेकर डाल दिए, चार हीरोज, एक हेड डाल दिया ताकि हीरोज के लिए वो ले ले, एबिलिटी पॉप इन कर दी टाउन हॉल के लिए उसने, और ठीक है। मतलब भाई मतलब आप ऐसा बोलोगे कि ज्यादा ट्रुप तो भाई जिंदा है नहीं क्योंकि आपको उतने विचेस दिख नहीं है, बट भाई आप देख सकते हो कितने विचेस है, आप देखो एक बार कितने नंबर ऑफ विचेस जिंदा है। ठीक है ये देखो इधर इतने सारे विचेस है, सुपर गॉब्लिंस है थोड़े, इतने सारे भाई अंदर विचेस है, आप बोलोगे इतने ज्यादा ट्रुप्स है नहीं सिर्फ विचेस ही तो है, तो भाई डिफेंस भी देख लो ना क्या ही बचा है, अकेला एक इन्फर्नो है, सिंगल इन्फर्नो, एक बॉम्ब टावर है, उसको तो मेरे हीरोज और यही ले लेंगे, इस साइड के जो आज चेक कैनल है उनको विचेस, और भाई इतने स्केलेटन्स देख रहे हो आप, इतने स्केलेटन्स भाई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो है, विचेस स्केलेटन का काम ही तो है ये। देखो यहाँ पे भी आइस गोलम था वो फुट के यहाँ पे, और वापस उसने आईसी आईसी कर दिया है। मतलब भाई आप बोलोगे कि ज्यादा डिफेंस है नहीं तो हम, सॉरी ज्यादा ट्रूप्स बचे नहीं तो मैं बोलूंगा भाई ज्यादा डिफेंस बचे का है, एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स और थोड़े आचे कहने नहीं बचे। तो देखो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्वीन की भी अभी तक एबिलिटी बची है, स्वैगी कर दी एक काइंड ऑफ, तो देख सकते हो कितना ओवर किल किया, देखो आप पूरा बेस देख सकते हो, फुल मैक्स बेस था, वॉल्स भी मैक्स थी, पूरा ओवर पावर्ड अटैक था भाई, तोड़ दिया भाई, पानी निकाल दिया बंदे का, बंदे ने हमारे सोच आप पूरा एकदम निचोड़ दिया बंदे को। और भाई अगर आपको ये अटैक पसंद आया हो ना तो एक बार चैट कमेंट सेक्शन में कर दो एग्जीक्यूटर ओपी। हाँ तो गाइज अपने फोर्थ अटैक की तरफ बढ़ते आगे, ये अपने नंबर 5 चार्ली ऑस्टिन ने किया था उनके नंबर 12 पे, एकदम इसका भी पानी निकाल दिया भाई। देखो ये भी एक्चुअली मास विच ही है, आप बोलोगे एक ही अटैक करे जाए सब, बट आप बेस देख सकते हो भाई वैल्यू इतनी ओपी मिल रही है, मतलब यहाँ देखो दो स्कैटर शॉट विथ ईगल आर्टरी मिल रही है, तो जैप क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है। ये देखो ये जैप्स गए, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जैप अर्थक्वेक, इस साइड जैप अर्थक्वेक, तो अब दो दो आर्चर टावर, दो दो एयर डिफेंस, साथ में कैनन भी मिल गया उसको एक्स्ट्रा, तो कोई यहाँ से फनल बनाना स्टार्ट किया उसने 80 और दो विचेस के साथ, थोड़ा इंटू टू यहाँ पे इस साइड भी फनल बनाया और कॉर्नर से साइड ट्रुप डाल दिए और अर्ली एबिलिटी दे दी ताकि वॉल ब्रेकर को ज़्यादा डैमेज ना हो, उस वॉल्स तोड़ सके ज़्यादा उसकी। देखो स्टार्टिंग में ही सारे हीरोज और सीसी थी, तो ही सीसी और उसके सारे हीरोज मर चुके हैं तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, राइट का लेफ्ट का दोनों का फनल बन चुका था, चाहे कितने भी ट्रुप्स बाहर जाए ट्रुप्स अंदर ही जाएंगे वापस। देखो इसने वहाँ क्योंकि वॉल ब्रेकर फूटने वाली थी इसलिए उसने एक्सपो पे फ्रीज कर दिया और आरसी मर गई उस वजह से, बट कोई नहीं क्योंकि वॉल फोड़ना भी इम्पोर्टेंट था ताकि उस पर जाए टाउन हॉल पे, बट कोई नहीं आरसी मर गई, कोई नहीं। आप देख सकते हो तब भी भाई आरसी मरने के बावजूद कितने किंग क्वीन बची है, वार्डन बचा है, इतने सारे मास विच भाई मतलब गिन नहीं पाया मैं, एक दो तीन, मतलब ये मरने वाली है, एक दो तीन चार, भाई मुझे नहीं ना भाई पहाड़ में जाए। तो ये देखो आप बोलोगे कि सिर्फ 60% हुआ, इतने ट्रुप इतने कम ट्रुप बचे, तो मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया, तो भाई ट्रुप्स कम बचे तो डिफेंस भी कम बचे, बाकी तो देखो ना गोल्ड माइन और अपनी एलेक्सा कलेक्टर्स ही तो बचे, मारने वाले थोड़ी ना है वो। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको, अटैक जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने बोला है सीखना है अटैक, आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप बस एक कमेंट डालो, मैं बहुत ही जल्द पक्का कंफर्म आपको एक वीडियो ला के दूंगा पूरे ब्रेकडाउन के साथ कि कैसे क्या, वही जो आपको मैंने हाइब्रिड के साथ किया था। तो अगर आपको इसका अटैक पसंद आया है तो प्लीज़ चैट पर कर दीजिए चार्ली ऑस्टिन ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज गाइज। तो इसी के साथ अपना अटैक नंबर 4 एंड करते हैं। तो अपना पांचवा अटैक है मेरा खुद का, एक्चुअली ये 3 स्टार नहीं हुआ था,
बट मुझे पता है भाई, बाकी सब ने बोला बहुत अच्छा अटैक था, बट मुझे खुद पे गुस्सा आया था कि मेरी एक छोटी गलती की वजह से ट्रिस्टा न्यू एक्चुअली टाइम फेल हुआ है। आप देख सकते हो बेस, मैं आपको पहले बेस दिखा देता हूँ भाई। मतलब बहुत ही, मतलब पहले मुझे बहुत सोचना पड़ा था प्लान कि मतलब क्या कैसे करूँगा ये नहीं, बट भाई मैंने एक गलती कर दी कि मैंने सीसी निकालना भूल गया था स्टार्टिंग में, तो सीसी निकालने के लिए फिर बाद मुझे याद आया सीसी निकालने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। वहाँ पे वो सीसी मैंने निकाली, आई वहाँ मेरी क्वीन ने वेट किया काइंड ऑफ बोल सकते हो, तो बिन फोकट वहाँ पे जो 20 सेकंड्स वेस्ट हुए ना भाई, मुझे सिर्फ 5 सेकंड के लिए टाइम फेल हुआ है, क्योंकि आप देखना जो जो ट्रक्स मतलब बिल्डिंग्स बची थी वो बहुत कम टाइम लेती है फुटने में, उनका हिट पॉइंट्स उतना ज़्यादा है नहीं और मेरे बहुत ज़्यादा ट्रक्स बचे हुए थे। बट भाई इतना गुस्सा खुद पे आ रहा था ना कि मतलब मैं भूल क्यों गया सीसी निकालना, भाई इतना गुस्सा आ रहा था ना क्या बोलूँ मैं। तो आप एक बार अटैक देख लो, मैं एक्चुअली दिखाने नहीं वाला था, बट अगर मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, मैंने रिकॉर्ड तो पहले ही कर लिया था, अगर मैंने एडिट पे वीडियो डाला है तो मैंने सोच के ही डाला है कुछ, क्योंकि मैं अभी तक कन्फर्म नहीं हूँ रिकॉर्ड करते थे मैं कि मैं दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, तो सीधा प्ले करता हूँ। तो बेसिकली ये देखो, यहाँ पे मैंने एक माइनर के साथ विजार्ड डाल के उस साइड का फनल बनाया बेबी के साथ, इस साइड एक इट्टी डाल दी ऊपर क्वीन विथ हीलर्स। एक्चुअली देखो अभी जो टाइम है ना जब मैंने ये डाला वॉलब्रेकर और लून, तभी मुझे सीसी निकालनी थी, देखो सीसी आराम से निकल जानी थी, बट मैं ध्यान से ही निकल गया। ये देखो और फनल बनाने के बाद जब ये सब फोड़ देने के बाद क्वीन अंदर गई, अब मैंने निकाला सीसी। तो एक्चुअली अभी जब ये वॉल विल फोड़ रही थी, इससे पहले ही इसको सीसी पे इंगेज हो जाना था। एक बार सीसी पे इंगेज हुई तो सीधा मैंने अटैक स्टार्ट करते अपना हाइब्रिड। देखो अभी बस करता हूँ, हाँ तो यही जो 140 पे चालू हुआ है ना, 140 के बदले मुझे 210 पे चालू करना था, वो 20 सेकंड भाई जो मेरे वेस्ट हुए ना, बहुत गुस्सा आ गया मुझे खुद पे। देख सकते हो और एक एज डाला क्योंकि स्कैटर शॉट उसकी जान ले रही थी मेरी क्वीन की, एक हील मल्टी इनफंडो के लिए। एक फ्रीज डालूंगा स्कैटर और मल्टी इनफंडो पे, एक फ्रीज अपने टाउन हॉल पे। एबिलिटी मार दी दोनों की, आरसी की और साथ में वार्डन भी, ताकि आरसी टाउन हॉल ले ले एंड टाउन हॉल एटलीस्ट ना बचे। तो देखो आप देख सकते हो ऊपर क्वीन फुल हेल्थ है, इतने सारे माइनर जिंदा है, एंड ये देखो ना भाई इतने सारे गोल्ड मतलब स्टोरेजेस और साथ में सीसी दिया है यहाँ पे। एटलीस्ट सीसी और वो सब नहीं होते ना तब भी थ्री स्टार हो जाता मेरे टाइम वेस्ट करने के बावजूद। तो आप देख सकते हो कितने माइनर थे और सिर्फ ये चार बिल्डिंग बची थी जिसके हिट पॉइंट्स उतने ज़्यादा नहीं होते, तो मतलब मैंने सिर्फ 5 से 6 सेकेंड जल्दी कर दी होती ना सीसी निकालने में, तो ये थ्री स्टार हो गया होता यार, बहुत ही बुरा लग रहा है हमें।